हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस हम लोग फिर से अपना एक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का पूरा गेम प्ले लेके आए, जिसमें हम लोग आज फिर से अपना टीपीपी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं। और बट ऑब्वियस बात है, टीपीपी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो हमें बंदे भी बहुत सारे सोलो ही मिलेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम ही रहेगी। तो गाइस तुम लोग ये वाला गेम प्ले पूरा एंड तक एंजॉय कर लो। जैसे ही फ्लाइट पर निकली, सबसे पहले तो मैंने बस स्टेशन पर मार्क किया, क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट दिखा रहता और वहाँ पे शायद बंदे ज़्यादा आ सकते थे। बट बाद में मैंने देखा कि किला हाउस भी एकदम हार्ड ड्रॉप पे था, तो इसके से मैं सीधा किला हाउस पे गया। और किला हाउस में जाने का एक फायदा ये है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी मिल सकता है, तो वहाँ से हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। इसकी वजह से मैं सीधा यहाँ पे किला हाउस पे उतर गया। हर बार की तरफ जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे जंप की, तो हमारे साथ कोई भी नहीं था यहाँ पे। और अभी मैं लूट ही रहा था, तभी मेरे को एक बंदे के फुटचे, इसके लिए मैं सबसे पहले किला उसके टॉप पे गया और वहाँ से देख रहा था कि बंदा कहाँ पे। और जैसे ही वो मेरे को दिखा, तो मैंने सीधा उसके ऊपर पुश करके उसको नॉक फिनिश कर दिया। थोड़ा ही आगे जाके मेरे को और एक बंदा भी दिख गया, तो मैंने उसको भी नॉक करके फिनिश कर दिया, क्योंकि हमें तो किल ही चाहिए, तो किल से ही मतलब थे। तो मैंने सीधा उसके ऊपर रश करके, उसको नॉक करके फिनिश कर दिया। और अभी यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छी खासी लूट भी थी, और मेरे को यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी मिल गया था। चिप अपग्रेडेशन के लिए सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया था, तो इसके वजह से सीधा मैंने पहले तो चिप अपग्रेड कर ली और फिर मैं यहाँ से बाकी बंदे ढूंढने के लिए निकल गया। जैसे मैं लॉन्च बेस के ऊपर से जा रहा था, तभी मेरे को एक बंदा भी दिख गया। किल की बुक की वजह से मैंने सीधा मेरा हेलीकॉप्टर नीचे उतारा और मैंने उसके ऊपर सीधा रश किया। मेरे को यहाँ पे एक के बाद एक बंदे मिलते ही जा रहे थे, और यहाँ पे मेरी 1v8 फाइट हुई। तो गाइस तुम लोग ये वाली जो फाइट है मेरी 1v8, तो तुम लोग ये वाली फाइट देख लो बस।
like to fight in this smoke. पर यहाँ से मैं निकल नहीं वाला था, मेरे को लगा था कि यहाँ पर सारे बंदे खत्म हो गए, बट नहीं, अभी भी यहाँ पे एक स्क्वाड बची हुई थी जो छुप के बैठी थी। जैसे मेरे को इसका एक बंदा दिख गया तो सीधा मैंने किल की लालच की वजह से अपने हेलीकॉप्टर नीचे ले लिया। फिर आगे यहाँ पर जो हुआ है वो बस देख लो गाइस तुम। मेरे को यहाँ पे बहुत एक के बाद एक बहुत सारे बंदे मिलते ही जा रहे थे, पर मैं यहाँ पे खुश था क्योंकि मेरे को यहाँ पे अच्छे खासे किल भी मिलते जा रहे थे, तो इसके में मेरे को कोई टेंशन नहीं था। पर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जोन भी निकल गया तो मेरे को जोन में जाना पड़ा था क्योंकि अच्छे खासे किल हो जा रहे थे और मेरे को ये गेम खराब नहीं करना था जोन के बाहर रहकर। सीधा मैंने हेलीकॉप्टर उठाया और मैं जोन के अंदर चला गया और थोड़ा ही आगे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे ड्रॉप भी दिख गया। फिर मैं ड्रॉप से अपनी AKM लेने के लिए और यहाँ पे मेरे को और एक बंदा भी मिल गया। फिर मैंने उसको नॉक किया, अपना ड्रॉप लूटा और मैं फिर यहाँ से बाकी बंदे ढूंढने के लिए निकल गया। इतना घूमने के बाद मेरे को एक जगह फाइट दिखी तो मैं सीधा उसके ऊपर रश किया क्योंकि मेरे को किल चाहिए थे। मैं कब से बंदे ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो इसकी वजह से सीधा मैं यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे जितने भी बंदे थे मैंने उन सबको नॉक करके फिनिश कर दिया। यहाँ पर मेरे को ज़्यादा बंदे तो मिले नहीं बट मेरे को यहाँ पे ड्रॉप दिख गया, मैं सीधा उसके ऊपर चला गया क्योंकि मेरे को वहाँ से AK-117 भी लेनी थी तो इसके वजह से मैं वो सीधा ड्रॉप पे चला गया। बट मेरे को पता ही नहीं था कि जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को वहाँ पे एक बंदे के फुटचे भी आ गए। तो सबसे पहले तो मैंने उसको नॉक किया और फिर मैंने वहाँ पे ड्रॉप भी लूटा और फिर मैं वहाँ से बाकी बंदे ढूंढने के लिए निकल गया। और यहाँ पे मैं बंदे ढूंढने के लिए निकल गया तो मैंने जोन का पूरा चक्कर काटा बट एंड तक मेरे को एक भी बंदा नहीं दिखा। किल फील्ड में फाइट चल रही थी बट वो बंदे कहाँ लड़ रहे थे वो मेरे को कुछ भी पता नहीं चला था क्योंकि ना ही उनके गन फाइट सुनाई दे रही थी ना ही उनके मतलब मैप में दिखाई दे रहा था। मतलब ये बंदे कहाँ पे मर रहे थे मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरे को यहाँ पे एक भी किल नहीं मिला, सीधा मेरे को एंड में ही किल मिला और यहाँ पे सब के सब बंदे खत्म हो गए। और यहाँ पे
और मेरे को यहाँ पे एक भी किल नहीं मिला, मेरे पास बंदे ढूंढते रह गए, मैंने जोन के पूरे 2 चक्कर काटे बट मेरे को यहाँ पर एक भी बंदा नहीं मिला। और फिर एक जगह आके मैं यहाँ पे रुक भी गया और यहाँ एक एक करके सीधा आखिरी वाला बंदा ही बच गया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला कि ये सारे बंदे कहाँ पे मर गए और यहाँ पर बस आखिरी वाला ही बंदा ही बचा। मैंने पहले सोचा था कि ये लास्ट वाला बंदा था, उसके साथ मैं ट्रोलिंग करूंगा, उसको मैं नाइफ से मारूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही उसने मेरे ऊपर फायर किया मैं डर गया, तो मैंने सीधा गन निकाल दी और मैंने उसको गन से ही मार दिया। तो यहाँ पे हम लोग गेम जीत गए। तो अगर तुम लोग को ये गेम प्ले पसंद आया होगा तो लाइक मारो, शेयर मारो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरे को ये गेम के बारे में या कोई और गेम के बारे में कुछ भी बताना हो या सजेशन देना हो या मेरी कमेंट्री के बारे में कुछ भी बताना हो या सजेशन देना हो तो आप मेरे को डेफिनेटली बता सकते हो। आप मेरे को डिस्कॉर्ड इंस्टाग्राम में तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैंने डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लो। और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ और इंस्टाग्राम पे भी जाके मेरे को फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालता रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो वहाँ पे जाके लाइक करो और वीडियो को लाइक करो और वहाँ पे जाके फॉलो भी कर लो। तो गाइज अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइज।